प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। पायलट ने अपने प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान के दौरे शुरू किए हैं। वो कल करौली और टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। पायलट ने साफ इशारा कर दिया कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हमें दुगनी मेहनत करके जनता के बीच जाना है। जनता जनार्दन होती है। पायलट ने टोंक के वार्ड नंबर 59 में आयोजित सभा को संबोधित किया, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान पायलट ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र में भाजपा की सरकार पिछले 9 वर्षों से सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज है। पूर्ण बहुमत का भाजपा ने दुरुपयोग कर नियम कायदों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर आई। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए दलों को चंदे के रूप में दिए, जिनमें से 90 से 95% चंदा भाजपा को दिया गया है। भाजपा ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राजनेताओं के खिलाफ अनेकों मुकदमे लगा दिए हैं। यानी भाजपा बहुमत का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है।